12 साल हो गए जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ते इना को साइम इंजीनियरिंग वाले को किन्ना अरसा हो गया कम करदे? 7वां साल जा रहे हैं जी। ठीक 100 रुपए का 10 किलो आटा है, जी बिल्कुल 400 रुपए का घी है किलो, जी 1000 रुपए नु लकड़ी का रेट हो गया। बन गई है, एक ही महसूस होएगा, यानी कि अंदर जड़ जोड़ लग गया ना, लैब दे देता 1.5 फुट का। रहमान रहीम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों और फजलो करम के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोज़ की मालूमात आपको मिलती रहें। तो देखते हैं मिस्त्री हजरात आ गए हैं कि उन्होंने क्या काम किया है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। जी तो दोस्तों, मिस्त्री साहब ने सुबह आते ही जो है वो बुनियाद के ऊपर जो तेगा वाल लगाया था बुनियाद को मुकम्मल करने के लिए, उसमें सरिया डालकर जो है वो बजरी डालना शुरू कर दी है। ये वाली दीवार जो है वो हाफ़ हो गई है, हाफ़ छोड़ दी है, ताकि जो है इसके साथ, इस बुनियाद के साथ इसको मिलाना है, तो इसे बाद में भरेंगे। और वो पीछे वाली दीवार जो है उसमें जो है वो सरिया और बजरी जो है भर दिया गया है, और ये वाली जो है छोड़ती है, इसको इसके साथ जो है मिलाकर जो है फिर भरा जाएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। जी तो दोस्तों, इस तरफ जो है वो दीवार ऊपर जो है वो करने लगे हैं, बुनियाद से पैड लगना शुरू हो गया है। इस तरफ की बुनियाद भी मुकम्मल हो गई है, इस तरफ की जो है वो ऊपर वाला वार तेगे का जो है वो नहीं लगाया, क्योंकि बर्ती डलनी है, ट्राली वगैरह आनी है, इस वजह से अब जो है ये वाली दीवार जो है वो बनाना शुरू करेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। जी तो दोस्तों, इस तरह जो है वो हमारी बर्ती आ गई है, जो प्लॉट में जो मिट्टी डालनी है वो आ गई है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। जी तो दोस्तों, ट्रॉली जो है इधर से प्लॉट में चली गई है, बड़ी मुश्किल से गई है। अब ये प्लॉट में मिट्टी वगैरह उतारेंगे, ये जो बुनियाद है हमारी इसके बराबर जो है वो बर्ती डलेगी। पीछे मिस्त्री साहिबान ने जो है वो थोड़ी सी दीवार जो है वो बना ली है। अभी पहली ट्राली आई है तो थोड़ी सी ज़रा मुश्किल हो रही है, फिर जो है इनको आसानी हो जाएगी जैसे ही ये गिरा लेंगे, रास्ता वगैरह बन जाएगा। ले जी, आधी ट्राली तकरीबन जो है वो उतर गई है, जैक वाली ट्राली है ये, और ये मिट्टी हमारी जो है वो उतर रही है प्लॉट में। अभी एक ट्रॉली आई है, सुबह आनी थी, सुबह नहीं आई, दोपहर के टाइम आ रहे हैं ये, और बाकी और भी आ जाएंगी। लें जी, ट्रॉली खाली हो गई, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। जी तो दोस्तों, मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्लाट में आ गई है। मैं दोपहर को घर गया चला था, डॉक्टर साहब आए थे, फिजियोथेरेपी करवानी थी। मिस्त्री हजरात का भी काम जो है वो इन्होंने रोक दिया हुआ था उस दीवार से, काफ़ी बड़ी बना ली है, ऊंची कर ली है मिस्त्री साहिबान ने वो दीवार, और अब जो है वो इस तरफ वाली बुनियाद जो है इसको बनाना शुरू करने लगे हैं। जी तो दोस्तों, इस बुनियाद पर जो है वो तेगे का वार जो है मिस्त्री हजरात ने लगाना शुरू कर दिया हुआ है, और इस तरफ हमारे शानी भाई जो हैं वो फोरमैन को पैसे वगैरह दे रहे हैं, आज जुमेरात है ना इसलिए तो इनका मज़दूरों का जो है वो हिसाब किताब हो रहा है, मिस्त्री हजरात का और मज़दूरों का। और इस तरफ हमारे मिस्त्री साहब जो हैं वो तेगा लगा रहे हैं। जी तो दोस्तों, ये वाली बुनियाद जो इधर सुबह छोड़ी थी, इसमें भी जो है फोरमैन साहब ने सरिया जो है वो डाल दिया है, इसको आपस में मिला रहे हैं। उस्ताद जी, इनू कतों आपस में मिलाया जाता, उदा नहीं पा हो सकता? अच्छा जी, सही सही।
जी तो दोस्तों, ये जो है वो जोड़ नहीं रहेगा एक ही, इसकी मजबूती जो है वो लेंथ एक ही हो जाएगी, इस वजह से जो है इसको आपस में मिलाया गया है। ये देखें जी, इस तरफ भी जो है इसमें सरिया डाल दिया गया है, इस तरफ वाली में, और हमारी बर्ती भी जो है वो डर रही है। और फोरमैन साहब थक थक तो नहीं गए? जी तो दोस्तों, ये और ट्रालिये आ गई हैं। ठेकेदार साहब कह रहे थे कि आज ही आपकी बर्ती जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, और लग भी यही रहा है कि आज ही मुकम्मल हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो बाद में इसको सीधा वगैरह करके तो फिर बाद में जो है इसमें डाल दी जाएगी। और यहाँ से ट्राली बैक होकर आ रही है, और इधर चली जाएगी। ये देखें और भी आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब जी? तो आज जो है वो हम मिस्त्री साहब से, मोहम्मद असलम साहब से गपशप करेंगे, क्या उनकी दिहाड़ी चल रही है, कितने साल जो है उनको इस काम में एक्सपीरियंस हो गया है, और सैम इंजीनियरिंग के साथ उनको कितना अरसा हो गया है फोरमैनिंग करते हुए, काम करते हुए। मिलते हैं हम फोरमैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी, की हाल चाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। चलो माशाल्लाह। उस्ताद जी, मेरे व्यूवर्स नु अपना नाम दसो पहले। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा नाम है उस्ताद जी तुहाडा। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी, कितना अरसा हो गया तुहानू ये काम करदिआं नू, मिस्त्रियां वाला? 18 साल हो गए जी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ते इना को साइम इंजीनियरिंग वाले को कितना अरसा हो गया काम करदे? ए 7वां साल जा रहे जी। ठीक जा रहे जी इना दे नाल? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह दा। उस्ताद जी, की दिहाड़ी वगैरह है, मजदूरी वगैरह तुहाडी? इस टाइम 900 अपने 900 रुपये मजदूर दी है, 1300 रुपये मिस्त्री दी है जी। ते उस्ताद जी, गुजारा हो जाता 1300 रुपये दे विच? महंगाई विच की करिए, वैसे शुक्र है अल्लाह दा, हुण ना करन तो बेहतर है, भी चलो गुजारा तो चल रहा है ना। हाँ जी, अल्लाह दा शुक्र तो है ही, लेकिन महंगाई दे इस दौर तो 1300 दा की आंदा है जी। हाँ जी, 1300 रुपये दा 10 किलो आटा है जी, बिल्कुल 400 रुपये दा घी है किलो जी, 1000 रुपए नु लकड़ी दा रेट हो गया जी, तो गरीब वास्ते बहुत मुश्किल है, 1500 भी थोड़ी है, लेकिन की कर सकने जी। उस्ताद जी, बड़े शहर सोचे या गवर्नमेंट सोचे गरीब दे बारे च, मजदूर आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। ते गवर्नमेंट ने ते लगाई हुई है अपना तनख्वाह जड़ी है वो हिसाब ना, मजदूरी उजरत लगाई है। पूछदा जी कोई नहीं, आके गल करदा, ए तो सैम इंजीनियर 900 रुपए मजदूर नु दे रही है, दिहाड़ी 700 रुपए भी दिहाड़ी दे रहे ने। अच्छा जी, यानी कि साइम इंजीनियरिंग वाले ज्यादा दे रहे ने दूसरे नालो? दे रहे ने, पैसे भी ठीक देंदे ने। सही, ते 700 रुपए दिहाड़ी, काम भी ज्यादा लेंदे ने, पैसे भी रुला रुला के देना। सही, रात नु कहंदे ने हफ्ते नु ले लई, हफ्ते नु कहंदे ने इतवार नु ले लई। सही, ते चलो शुक्र है भी इत्थे मजदूर नु मिस्त्री नु पैसे तो सही मिल रहे ने। सही, हां जी, चले माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला जी आपके काम में बरकत डाले। आमीन। अल्लाह ताला आपकी जो है वो दिहाड़ी जो है वो ज्यादा करे जी। ये जो काम करवा रहे हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं ठेकेदारी का, उनको चाहिए कि वो जो है और ज़्यादा करें। हाँ जी। वैसे तो विहाड़ी सिटी में वो सबसे ज़्यादा दे रहे हैं इस वक्त मजदूरी जो है, मजदूर की और मिस्त्री की दिहाड़ी, लेकिन उन्हें चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने लगाई है वो वाली लगाएं। हाँ जी, बिल्कुल जी। उस्ताद जी, उस्ताद जी ताड़ी दिहाड़ी किन्ने बजे शुरू होंगी या सुबह? सुबह 8 बजे शुरू होने।
8 ਵਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ? 5 ਵਜੇ ਉੱਠਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ, 7 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 7 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਨੇ, 8 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ। ਸਹੀ। 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, 1 ਘੰਟਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੈਸਟ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, 5:30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ। 5:30 ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਦੋਂਦੇ, 6 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੇ। ਸਹੀ जी। तो दोस्तों आपको पीछे अजानों की आवाज़ आ रही होगी और सूरज भी जो है वो ग़ुरूब हो चुका हुआ है, अजानें हो रही हैं मगरब की, और फोरमैन साहब ने जो है अभी 10 मिनट पहले जो है वो काम बंद किया है। ये थे हमारी आज की वीडियो फोरमैन साहब के साथ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। और बड़े शहरों में जो है वो ज़्यादा मजदूरी दी जाती है और इधर छोटे शहरों में कम मजदूरी दी जाती है, महंगाई उतनी ही है। इन्हें चाहिए कि मजदूरी जो है वो ज़्यादा दें, मिस्त्री हजरात को, मज़दूर हजरात को गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोज़ की मालूमात आपको मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।